हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी फूड्स। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पत्ता गोभी की बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी रेसिपी। सो कम ऑन, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर मैंने ले ली है 1 किलो पत्ता गोभी और 1/2 किलो आलू, जिन्हें मैंने चॉप करके रख लिया है। उसी के साथ मैंने यहाँ पे लिए हैं टमाटर, मटर, प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। तो यहाँ पर मैंने तेल में जीरा डाल दिया है और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं अपना कटा हुआ अदरक। अदरक को हम थोड़ी देर पहले अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि अदरक कच्चा कच्चा अच्छा नहीं लगता है सब्ज़ी में। तो अदरक यहाँ पे भून चुका है। अब मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं प्याज, लहसुन और हरी मिर्च, और अब इन चीज़ों को भी हम अच्छे से भून लेंगे। तो अब यहाँ पे हमारी प्याज अच्छे से भून चुकी हैं। अब मैं यहाँ पे डाल देती हूँ मटर, और अब मैं यहाँ पे डाल देती हूँ अपनी पत्ता गोभी और आलू। तो इनको भी अच्छे से डालने के बाद हम इनको एक बार ही चला देते हैं अच्छे से। अगर आप पत्ता गोभी इस तरीके से बनाओगे तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत जल्दी भी बन जाती है। तो अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे, और नमक ऐड करने के बाद बस हम इसे ढककर 5 मिनट तक पकाएंगे लो फ्लेम पर, और उसके बाद हम अपने बाकी के मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं, मैं एक बार इसे अच्छे से चला लेती हूँ। और यहाँ पे हमारी मेरी जो पत्ता गोभी है वो 50% तक कुक हो चुकी है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं अपने बाकी के मसाले। तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। और इसी स्टेज पे हम डाल देंगे अपने टमाटर, और अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बस अब हमें और कुछ नहीं करना, बस हमें इसे ढककर लो फ्लेम पर पकाना होगा और बीच बीच में चलाते रहना होगा। 10 से 15 मिनट के अंदर हमारी सब्ज़ी बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो अब मैं इसे एक बार अच्छे से मिक्स करके ढक के पकने देती हूँ। तो अब 5 मिनट हो चुके हैं लगभग, तो एक बार हम अपनी सब्ज़ी को अच्छे से चला देते हैं। तो देखिए, तो अब एक बार ही अपनी सब्ज़ी को चेक कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारी सब्ज़ी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस भी आ रही है इसमें से। तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं। तो देखा कितनी आसान रेसिपी थी, और ये बनने के बाद भी बहुत टेस्टी लगती है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।